सर्दी के कारण फटी हुई एड़ियों को गर्मी में इन नुस्खों के जरिए बनाइए एकदम खूबसूरत। सर्दियां जा चुकी हैं और गर्मी अपने जोरों पर है। अभी तो अप्रैल का ही महीना चल रहा है और गर्मियां बहुत ही तेज हो चली है, और इन गर्मियों में जो समस्या सबसे ज्यादा उभर कर आती है वे है सर्दी में फट चुकी एड़ियों की। सर्दियों में मोजे पहनने से एड़ियां चुभ जाती है, जिसके कारण वे फटी हुई हो जा नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गर्मियां आते ही उनमें दर्द और जलन के साथ साथ खून आने की परेशानी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि इस समय मोजे पहनने से पसीना आना और उनमें धूल मिट्टी का लग जाना यह परेशानी ज्यादा रहती है। आज हम आपकी इस परेशानी का बहुत ही आसान सा हल किए देते हैं। गर्मियां आते ही हम स्टाइलिंग के चक्कर में और कई बार गर्मी से परेशान होकर मोजे नहीं पहनते हैं, जिसके कारण फटी हुई एड़ियां परेशानी की वजह बन जाती है। आइए आज हम आपको इस परेशानी से छुटकारा पाने का बहुत ही आसान सा हल बता देते हैं, जो कि आपकी इस परेशानी को हल करने के साथ साथ आपको खूबसूरत एड़ियां भी देगा। आइए जानते हैं क्या है वह नुस्खा। एक बर्तन में हल्का गुनगुना पानी लें। पानी में एक चम्मच नमक और आधा नींबू का रुपए डाल दीजिए और अपनी फटी हुई एड़ियों को 15 मिनट तक डुबोकर रखें। 15 मिनट के बाद अपने हाथों से एड़ियों को रगड़कर अच्छी तरह से साफ कर लें। उसके बाद अपने पैर को निकालकर साफ कपड़ा से पोंछ लें और फटी हुई जगह पर अच्छी तरह से लगाएं। सिर्फ 2 मिनट तक मसाज करें। आप देखेंगे कि यह क्रीम पूरे स्किन में चली जाती है। ऐसा करने से आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट और अच्छी हो जाएगी। अगर आप इसका इस्तेमाल हाथों, कुहनियों और घुटनों पर लगा रहे हैं तो आप ऐसे ही छोड़ दें, और यदि आप फटी एड़ियों पर लगा रहे हैं तो आप मोजे पहन लें, और सारी रात आपको मोजे पहनकर ही सोना है। एक ही रात में आपको बहुत ही ज्यादा फर्क नजर आएगा।